हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल के लड्डू, जो 3 से 4 सामग्री से हम बना के रेडी करने वाले हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आइए आप हम बनाना शुरू करते हैं। लेंगे 1 कटोरी घी, ये छोटी वाली मैंने कटोरी ली है। हमारा घी जो है गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे हमारे जो नारियल रेडीमेड जो आते हैं मुरादा, आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हो आपके पास टाइम हो तो मैंने ये वाले जो नारियल की जो मुरादा है ये वाला ले लिया। ये थोड़ा सा मोटा वाला जो आता है वो गैस को मैंने कर दिया है स्लो, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है, 1 कटोरी में थोड़ी सी कम है, मीठा आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें वही कटोरी से मैं दूध डाल दूंगी। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी जैसा मैंने दूध ले लिया है। और यहाँ मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर, इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। अब हमारा जो दूध है वो एकदम ड्राई नहीं, कम नहीं हो जाएगा तब तक हमको इसको चलाते रहना है। नारियल का जो मुरादा है वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, अगर आपके पास ना हो तो ऑप्शनल है। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट थोड़े से कटिंग करके रख दिए थे, इसमें है बादाम है, काजू है और पिस्ता है, और 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से चला लेंगे। अब घर पे कोई गेस्ट आने वाले हो गए या कुछ फंक्शन है घर में, तो फटाफट ये रेसिपी जो है रेडी कर सकते हो। रेडी हो चुका है, अब हम करेंगे गैस को बंद और इसको करेंगे ठंडा। नारियल का जो हमने जो बनाया है नारियल वाला, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको, थोड़ा ही गर्म है, ज़्यादा नहीं है, अब हम इसको बनाएंगे लड्डू। तो ये हमने बना लिए हैं, अब हमें पूरा ऐसे ही करके लड्डू बनाना है। आप चाहो तो इसकी बर्फी भी बना सकते हो और आप लड्डू भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो लड्डू है वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।